ये गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेई फॉर यू। मेरे चैनल में आप सबको फिर से स्वागत है। चलिए, आज बहुत अच्छा सा एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। मे भी मेरे टॉपिक हो सकती है सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, मे भी मेरे टॉपिक हो सकती है व्यूज कैसे बढ़ाएं, ये भी हो सकता है चैनल ग्रो कैसे करें। तीनों रिलेटेड है। चलिए, इसके ऊपर हम आज वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे पॉइंट भी है, मैं आज सब कुछ क्लियर करेंगे आप लोगों के साथ। पहले देखिए, पहले हमें आप तो नोट लेकर बैठ जाइए, एक एक करके नोट कीजिए। अगर आप न्यू यूट्यूबर है तो आपको बहुत सारे फायदा होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जब हम वीडियो बनाने जाते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठते हैं, हम कौन सा टॉपिक को लेकर बनाएं वीडियो। ये एक क्लू मैं आपको दे रही हूँ, आप कौन सी भी बड़े यूट्यूबर को फॉलो कर रहे होंगे। चार पांच बड़ा बड़ा यूट्यूबर को फॉलो कीजिए, वो लोग कौन से कंटेंट को लेकर वीडियो लेटेस्ट बनाया है वो नोट कीजिए, उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाइए। तो एंड किसी का नाम को भी @ मेंशन कीजिए। टाइटल लगभग सेम रखिएगा तो व्यूज बढ़ेंगे जरूर। इसमें टॉपिक चूज करने के बाद क्या होते हैं, हम सोचते हैं हम कितने लंबे की वीडियो बनाएंगे, ये भी पहले से तय कर देना चाहिए। देखिए, हमारे पास ऑप्शन है 2 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर एंड 8 मिनट के अंदर। जो फोर्थ ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगी फोर्थ ऑप्शन क्या होना चाहिए। कितने टाइम का वीडियो बनेगा, मीन्स कितना लंबा होगा वीडियो, यहाँ हम सर्च करेंगे सब्सक्राइबर कैसे बढ़े। ऑलरेडी है इधर। चलिए, ये टॉप 5 में दिखेंगे क्या क्या वीडियो है, कितना टाइम का वीडियो। देन ये क्रिएटर सर्च का 11 मिनट का वीडियो, ये नित्या जी का ये 12 मिनट का वीडियो, ये आ गया नंबर 3 पर, ये 232 मिनट का, ये हमारा स्टडी ज्ञान का ये 10 मिनट 11 मिनट आ लगभग, ये आ गया हमारा सरिता का 631। तो ज़्यादा हुआ नित्या जी का वीडियो 12 मिनट का। हमें यहाँ इस 12 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम का वीडियो बनाना चाहिए, 12 मिनट 30 सेकंड या 13 मिनट का वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो इतना लंबा होने से ही वो सजेस्ट में जाएगा, इसलिए हमें टॉप 5 को चुनना है। देखिए, हमारा जो वीडियो बनेगा 13 मिनट का बनेगा, हमने तो सोच के रखा है 13 मिनट नहीं 12 मिनट से ज़्यादा बनेगा। तो जो नंबर 3 हम क्या करने हैं, फर्स्ट 2-3 मिनट्स एक बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छी प्रेजेंटेशन देना है। 2-3 मिनट धमाकेदार बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या होगा, जो हमारा व्यूअर्स भी देखेंगे इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वहाँ पे वो लोग स्टॉप करेंगे। आपको अगर आप एक यूट्यूबर हो, नए हो या पुराना, नो प्रॉब्लम, आपको पता होगा वीडियो में हैशटैग देना पड़ता है, कीवर्ड टैग्स वगैरह सारे देना पड़ते हैं। ये जो हैशटैग हम लगाएंगे कहाँ से लगाएंगे, कैसे लाएंगे, इस ऐसे ही लगा देंगे या हमें इसे कुछ चूज करना पड़ेगा कहाँ से लाएंगे। चलिए, इसके बारे में बात करेंगे अभी। हमारा टॉपिक था सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, हमें हैशटैग ढूंढना है। इस टॉपिक पर हैशटैग क्या लगाएंगे ये हमें यहाँ से ही हमें मिलेगा। ये हैशटैग देखिए, नीचे हम हैशटैग ऐड करेंगे, यहाँ हैशटैग ऐड करेंगे। देखिए, आपको पता होगा हैशटैग में एक ही रहने का स्पेस नहीं बनने बचेगा, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस इसका हम नहीं देंगे, स्पेस यहाँ स्पेस डिलीट करेंगे। या देखिए, एक ही वर्ड में आ गया। देन हैशटैग हमें मिल गया 1 2 3 4, ये 22 वाला हम नहीं देंगे, अभी 23 चल रहा है, हम बैक में नहीं जाएंगे, ये मैच के भी नहीं देंगे। हमें यहाँ मिला 2 हैशटैग। देन क्या करेंगे, हमारा टॉपिक कहाँ से रिलेटेड है, व्यूज कैसे बढ़ेंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे अभी व्यूज कैसे बढ़ेंगे, यहाँ ही व्यूज कैसे बढ़ाएंगे।
इसमें क्या करेंगे, ये हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ से देखिए, ये बहुत सारे मिलेगा हमें यहाँ स्पेस भी, यह कट करेंगे फिर से डिलीट करेंगे तो हमें हैशटैग के साथ मिल जाएगा क्या क्या देना है। सब्सक्राइबर तो 2 मिला था, देखिए यहाँ व्यूज के लिए हमें 4 मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ चैनल ग्रो कैसे होगा, ये भी हमारा रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ फिर टाइप करेंगे चैनल ग्रो कैसे होगा, चैनल ग्रो ही हमें टाइप किया है तब ये चारों हमें मिल गए। ऑलरेडी हमें 10 हैशटैग मिल चुका है, हमें 5-6 हैशटैग चूज करके देना है बस और नहीं। और एक बार देखिए हैशटैग के हिसाब से ये यहाँ सिंबल के बाद यहाँ आपको मिल जाएगी चैनल ग्रो कैसे करें 1.6 के वीडियो 699 चैनल्स का। इसमें से आपको कुछ भी ग्रो मिल सकते हैं आपको चैनल ग्रो करने के लिए, ऐसे ही आप ढूंढ सकते हैं सर्च में जाकर। नेक्स्ट बात करेंगे थंबनेल एंड कीवर्ड की। थंबनेल कीवर्ड के बारे में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल्स कैसे करते हैं। इसके बाद थंबनेल कीवर्ड के बाद हमारा वीडियो अपलोड का टाइम, ये भी है एक पॉइंट, ये बहुत मायने रखता है हमारे कैसे हम ये करते अपलोड करेंगे तो व्यूज आएंगे, किस टाइम पे करेंगे तो व्यूज आएंगे। देन देखिए कम्युनिटी पोस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, बहुत अच्छा अच्छा कम्युनिटी पोस्ट है, आपको दिखाऊंगी डिटेल्स, उसके बाद आपको भी आइडिया हो जाएगा कैसे कम्युनिटी पोस्ट में हमें व्यूज मिलेगी, सब्सक्राइबर मिलेगी। नंबर 5 हमारा डिस्क्रिप्शन रिलेटेड है। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिखना है वो लिखिए, वो कौन सी आप टॉपिक पर कर रहे हैं इसको डिटेल्स दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कीवर्ड्स मैंने लिखा है कीवर्ड तो कितना देना है बट उसकी हेडिंग क्या देंगे, आप हेडिंग देंगे योर क्वेरीज, क्वेरीज योर क्वेरीज करके आप नीचे एक एक करके 20 से 25 मिनिमम आपको कीवर्ड डालना है। जब हम सर्च में टाइप करेंगे हमारा टॉपिक का नेम, देखिए सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, ये देखिए इतने सारे हमें कीवर्ड मिल गए हैं, ये ऐसे ही हमारा जो चैनल ग्रो का भी हम टॉपिक देखिए तो वो भी मिल जाएगा, नहीं तो व्यूज कैसे बढ़ेंगे वो भी मिल जाएगा, हम 20-30 मिल जाएगा ऐसे ही। और एक दूसरी बात, हम ये बहुत ट्रिक है, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें कलेक्ट करना है ये कीवर्ड्स। दूसरी तरीके मैं आपको बताती हूँ, टॉप 5 वीडियो हमने जो देखा उनके डिस्क्रिप्शन से, देखिए नित्या जी के डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, देखिए इतने सारे कीवर्ड हैं, इसमें से हम 10 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्प्रेडिंग ज्ञान, ये भी टॉप यूट्यूबर हैं, इनके भी के डिस्क्रिप्शन से हमको हमको मिल जाएंगे कीवर्ड्स, देखिए ये सब हमें यूज़ कर सकते हैं 10-12 इसमें से, इसे करके हमें कलेक्ट कर लेना है, 30-40 भी हमें कलेक्ट करने से भी हो जाएगी, अलग अलग इनके भी अलग अलग हैशटैग भी इधर भी आपको मिल जाएंगे, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए 7 में बात करेंगे हम थंबनेल की, थंबनेल के बारे में कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन सी साइज़ का बनाएंगे, ये सब मैं नहीं बोलूँगी, देखिए सिर्फ ये इतना बोलूँगी आपको, देखिए हमें हम जब ये पेज को स्क्रॉल करते हैं, देखिए हमें थंबनेल कलरफुल मिलना चाहिए, ये लेटर प्रोमिनेंट होना चाहिए, और देखिए आप देखिए इसमें से कंबाइन निकाल कर देखिए कौन सा कलर ज़्यादा यूज हुआ है, देखिए रेड, इसमें से आपको येलो भी मिल जाएगा, बहुत सारे येलो कलर का मिल जाएगा, ग्रीन, ये तीनों कलर आपको लेना ही लेना है। देखिए ये थोड़ा माइल्ड लग रहा है, थोड़ा ये ईशान मॉनिटर का ये फिर भी थोड़ा माइल्ड लग रहा है, ये देखिए ये हमें उसके नाम से, ईशान मॉनिटर के नाम से ये थंबनेल को कोई भी क्लिक करेगा, फिर भी ये भी इंक्रीज के लिए ये बहुत अच्छा दिए है, ये सिंबल लिख दिया है यूट्यूब का, ये भी अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से रेड येलो आपका ग्रीन ब्लू भी यूज होगा, ब्लैक वाइट में आपको लेटर भी मिल जाएगा दिखने में, इतना कलर को यूज करके आपको थंबनेल को प्रोमिनेंट किया कीजिए, ये जो लेटर सब आपका प्रोमिनेंट दिखना चाहिए बस और कुछ नहीं,
अच्छा, और एक बात है, ये जो हम थंबनेल में जो लिखते हैं, ये जो थंबनेल का जो आपका टेक्स्ट लिखना है वो वीडियो रिलेटेड होना चाहिए बस। नंबर 8, वीडियो अपलोड टाइमिंग, कौन सी टाइम में आपको वीडियो अपलोड करना है, आपका जो व्यूअर्स ये कौन सी टाइम पर एक्टिव रहते हैं, इसको ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपकी पेज को जाना होगा। स्टूडियो ओपन करेंगे, यहाँ हमें पता चल जाएगा कहाँ कौन से टाइम पर हमारे व्यूअर एक्टिव होते हैं। देखिए ये क्लिक करेंगे, कहीं भी ऑडियंस पे देखिए, ऊपर ऑडियंस है, ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। देखिए व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, देखिए ये जो डार्क पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है वही टाइम पर आपका व्यूअर्स एक्टिव रहते हैं। ये जो लाइट कलर, जो वायलेट का लाइट, वायलेट पर्पल कलर का जो दोनों में देखिए ये सिंबलिक आपको दिखा रहा है इधर, कौन सी टाइम पर, देखिए मॉर्निंग टाइम में मेरा व्यूअर्स बहुत एक्टिव रहते हैं, मैं रात को और वक्त रात को नहीं अपलोड करके सोती हूँ। देखिए यहाँ आपको ये आपको वीकली वीकली लिस्ट आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगा, इसके हिसाब से आप अपलोड करना बस, और कुछ नहीं। हर यूट्यूबर के हिसाब से उनके व्यूअर का टाइमिंग अलग अलग होती है, इसलिए आप वाइट स्टूडियो में जाइए, आपकी यहाँ आप चेक कर लीजिए। ये सारे हम फुलफिल करने के बाद जब वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद हमें बूस्ट करना है, ये तो आपको पता ही होगा, बट कैसे बूस्ट करेंगे ये आपको मैं आज ट्रिक बता दी। आपके घर में जितने सारे मोबाइल हैं, फ्रेंड्स घर में, पापा बाबा माँ भाई बहन या जो कोई भी रिलेटिव हो, अदर मोबाइल से, आपके मोबाइल से नहीं, जो जिस मोबाइल से आपका वीडियो अपलोड हुआ वही मोबाइल से नहीं, दूसरे मोबाइल से, दूसरे जीमेल आईडी से आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, याद रहे पूरा वॉच करना है। एक लाइक भी देना है, ज़रूरत पड़े तो एक कमेंट भी दे देना, बस इसको 15-20 बार अलग अलग मोबाइल से, अलग अलग जीमेल से आपको वॉच करना है फुल। इसके बाद आपका वीडियो कैसे बूस्ट करेगा आप खुद मुझे कमेंट में लिखोगे, ओके। इसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर भी कर सकती हो, लिंक को आप स्टेटस में डाल सकते हो, स्टोरी में डाल सकते हो, फेसबुक में स्टोरी में दे सकते हो, आप वीडियो को इस तरह पर्सनली भी आप व्हाट्सएप में भेज सकते हो, जी जिसने आपको वीडियो को वॉच करेगा, जिसने वॉच करेगा आपको पता होगा वही आप डाल सकते हो, नहीं तो वीडियो फिर वो लोग क्लिक करेंगे, फिर सेकंड देखेंगे, उसके बाद अगर वीडियो को स्टॉप करेंगे तो आपका इम्प्रेशन ख़राब आएगा, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप खुद की वीडियो को लिंक निकाल लीजिए, इसे कि वीडियो का लिंक कैसे निकाले, देखिए इस वीडियो का अगर लिंक निकालना है आप कैसे निकालेंगे, अगर देखिए ये वीडियो का लिंक आपको निकालना है तो क्या करेंगे, शेयर में खुद का वीडियो ऐसे ही लिंक निकाले, शेयर करेंगे तो यहाँ से आएगा कॉपी लिंक ऐसे, इसको आप क्या करना है, आप स्टेटस में या व्हाट्सएप में, आप पर्सनली हो या ग्रुप में हो या फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हो, करने से क्या होगा कुछ कुछ व्यू जरूर आड़ होगा, किसी किसी ने को पता भी नहीं होगा आप यूट्यूब का चैनल है आपका, तो इसलिए ऐसे शेयर करने से कोई देखेगा कोई ना देखेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हो वो जानने के लिए ट्राई भी करेंगे, हो सकता है आपको सब्सक्राइबर मिल जाएगा, व्यूज भी मिल जाएगा। नंबर 10 आपका आ गया कम्युनिटी टैब में, आप डाल सकते हो लिंक, लेकिन ऐसे लिंक डालने से कोई नहीं देखेगा, आप क्या करोगी ये आपका जो थंबनेल है उसको भी दे सकते हो, ऊपर लिंक डाल सकते हो, नीचे कुछ कोड्स, अच्छी सी कोड्स, कलरफुल कोड्स आप दे सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, बहुत सी वीडियो हमारे सामने है, किसी का भी हम कम्युनिटी पोस्ट उठाएंगे देखेंगे कैसे बनता है ये, उसके बाद मैं आपको आइडिया भी दे दूँगी। देखिए ये इसको हम क्लिक करेंगे, देखिए
एक्टिव रहो, कम्युनिटी पे जाएंगे, देखिए कैसे कलरफुल फोटो के बाद न्यू ब्लॉक लिखकर ये देखिए नीचे ये टेक्स्ट भी लिखते हैं, ऐसे बनाना चाहिए कम्युनिटी पोस्ट। देखिए हम क्या करते हैं कम्युनिटी पोस्ट में ऐसे ही डाल देते हैं लिंक, ये वायरल नहीं होगा जब हम ऐसे डालेंगे। देखिए इस टेक चैंपियन सपोर्ट का देखेंगे कम्युनिटी पोस्ट देखेंगे, देखिए ये भी देखिए आप ज़रूर देखेंगे, देखिए इसे कैसे लिखा गया है, ये इनका कुछ फोटोस दिया गया है, वहाँ लिंक दिया गया है, फिर से नीचे ये टेक्स्ट लिखा गया है। इसे करने से कम्युनिटी पोस्ट क्लिक करेगा, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और एक दिखा देती हूँ फाइनली कि सचिन मोरे का कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करेंगे, देखिए ये आ गया उनका चैनल कम्युनिटी, देखिए कैसे कम्युनिटी पोस्ट ये डालते हैं, ये पूरा कम्युनिटी में आपको जैसे लगेगा वीडियो देख रहे हैं ऐसे लगेगा। देखिए ये पूरा फोटो के साथ डालते हैं, उसके बाद फिर ये बहुत सारे कम्युनिटी इनको आपको कम्युनिटी पोस्ट जैसा नहीं लगेगा, ये लगेगा आपको चैनल ऐसी ये लिंक डालते हैं, फिर इसमें भी डिटेल्स 3-4 करके ऐसे डालते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। यानी आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी करना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।